नमस्कार, आज हमारे सामने एक और इंटीग्रल है 1/4x²-4x+3। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? 1/क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं हम, हमारे पास बचेगा x²-x+3/4। अगले स्टेप में हम देख सकते हैं कि x का कोफिशियंट है 1, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो उसका हाफ करेंगे तो हाफ बनेगा, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, x²-x+1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर +3/2, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1/, ये हो जाएगा x-1/2 का स्क्वायर 3/4-1/4, दैट इज 2/4। Which we can write as 1/2. तो ये है 1/4 1/(x-1/2) का स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर। 1/(x²+a²) इसको हम x के तरह ट्रीट करेंगे, तो इंटीग्रल 1/(x²+a²) is 1/a tan inverse x/a, तो ये हो जाएगा 1/4 1/a tan inverse x/a, तो ये √2 पर जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into √2 into √2, और ये ऊपर √2 जाएगा tan inverse, अगेन √2 ऊपर जाएगा, अंदर बचेगा 2x-1/2, ठीक है, तो ये इससे अगेन कैंसिल होके नीचे √2 बना देगा, तो हमारे पास क्या बचा, ये √2 एक कैंसिल, तो 1/(2√2) और tan इनवर्स 2x-1/√2। आसान इंटीग्रल था, कुछ खास था नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो और फिर स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा। तो पहला स्टेप था कंप्लीटिंग स्क्वायर, और फिर दूसरा स्टेप था स्पेशल इंटीग्रल्स। ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।